दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था लोड डिमांड प्राइसिंग यानी ओवर लोड डिमांड प्राइसिंग का जो फीचर आया ना, उसके बारे में कुछ उसमें मैंने जानकारियाँ दी थी। तो क्या मतलब मैंने उसमें आपसे डायरेक्टली ये कह दिया कि आप उस फीचर को ऑन करके रखो? भाई मैंने ऐसा तो पूरी वीडियो में नहीं कहा होगा कि आप जो है उस फीचर को ऑन करो, लेकिन कमेंट में कुछ ऐसी ऐसी कमेंट आने के लिए कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ओवर को या मुझे ऊबर से स्पॉन्सर मिल रहा है। यार ऐसा थोड़ा ही भाई। मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, पहले तो क्या है कि इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ आज, है ना। आप सब लोगों को पता चल जाएगा क्या मैं ओला उबर की पक्ष लेता हूँ या आप लोगों की और अपनी, क्योंकि भाई मैं भी ड्राइवर हूँ आप भी ड्राइवर हूँ। तो ओला उबर और अदर जो बाइक कंपनी है, सारी कंपनियाँ, उनसे पहले तो हम अपने बारे में सोचेंगे भाई, उसके बाद उनके बारे में सोचेंगे क्यों? दोस्तों कमेंट ऐसी ऐसी कमेंट आने लगी, बताओ कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ओला को उबर को, कभी मैं ओला ओला उबर छोड़ने की बात कर रहा था और आज ओला उबर के बारे में मतलब प्रमोट कर रहा हूँ ओला उबर को, ओला उबर से मुझे स्पॉन्सर मिल रहा है। अरे यार ऐसा थोड़ा ही है, स्पॉन्सर किसे मिलता है, मुझे क्यों स्पॉन्सर मिल रहा है भाई? मैंने तो जो जानकारी है मतलब जो फीचर आया था उसके बारे में बता रहा था क्या होने वाला, क्यों इसे लॉन्च किया गया, क्यों अपडेट किया गया इसको। भाई एक बात बताओ, मैंने पूरी वीडियो में कहीं ऐसा नहीं बोला कि आप इस फीचर को ऑन करो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर ऊबर का ये जो फीचर है ऊबर ने लॉन्च किया है इसे लो डिमांड प्राइसिंग, अगर इसे आप ऑन नहीं करते हो तो आपके पास ड्यूटी आना बहुत कम हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक बहाना है ऊबर का कि आप इसे ऑन करो या मत करो, लेकिन आपको ये ऑन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ऊबर इस फीचर को ही हटा देगा यहाँ से और अपने आप ही डायरेक्टली लो डिमांड की जो बुकिंग है उन्हें देना स्टार्ट कर देगा। मैं नहीं कहता भाई, मैंने खुद नहीं किया अपने डिवाइस में ये जो फीचर ऑन, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ। ऐसा थोड़ा नहीं यार, कंपनी मेरे से नहीं कमीशन लेती, आप ही से कमीशन लेती है कंपनी, ऐसा है ना? नहीं भाई, कमीशन मुझसे भी लेती है कंपनी। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, पर्सनल वीडियोज़ बनाता हूँ अपनी, किसी कंपनी और किसी के बगैर का कोई स्पॉन्सर नहीं करता मैं, समझो। आपको नुकसान होगा तो नुकसान मुझे भी होगा, नहीं होगा? क्योंकि भाई मैं भी हूँ यार, आप ही में से एक हूँ मैं जो हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आ गया, कोई आसमान से नहीं टपका हूँ दोस्तों। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस फीचर को आप ऑन मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन ऊबर जो है इस फीचर को ही हटा देगा वहाँ से और फिर अपने आप डायरेक्टली जैसे ओला देता है लो डिमांड की बुकिंग ऐसे देना स्टार्ट कर देगा। आपने देखा होगा ओला में अभी क्या है कि प्राइस बहुत कम मात्रा में जो फेयर है वो आ रहा है, तो ओला ने ऐसा कोई फीचर लॉन्च नहीं किया फिर भी उसका जो फेयर है कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि बुकिंग जो है लो डिमांड की आ रही है और उनमें कहीं भी नहीं दिखाया जाता है कि बुकिंग लो डिमांड की है या हाई डिमांड में, ठीक है। तो ऐसे ही ऊबर भी एक दिन कर देगा, इस फीचर को हटा देगा वहाँ से और लो डिमांड की बुकिंग जो है आपको देना स्टार्ट कर देगा, जिसकी रेटिंग्स कम होंगी उसको लो डिमांड की बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, समझे ना? समझे? तो इसको ऑन करो या ना करो ऊबर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ता ही है। और ये फीचर मैंने कई लोगों से पूछा है, इस फीचर को जो ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं बोलते हैं कि ऐसे अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारे पास बुकिंग आना बंद हो जाता है, बुकिंग ही नहीं आती, और इसको ऑन कर लेते हैं तो फिर बुकिंग लगातार आती रहती है, ऐसा क्यों है? और वो प्राइस के बारे में बता रहे हैं, फेयर कितना आता है, फेयर जो है एक भाई से पूछा था मैंने फेयर के बारे में तो वो बता रहे थे फेयर भी ऐसा ही आता है जैसे पहले आता था वैसे ही अब आता है, लेकिन क्या कि वैसा नहीं आता होगा, 10-20% में पता नहीं चलता है बस, समझे ना, पता नहीं चलता है, बाकी फेयर डाउन तो आ ही रहा होगा। तो दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ, प्लीज़ ऐसी नेगेटिव कमेंट मत किया करो, मैं आप ही में से एक हूँ और सिर्फ पहले सबसे पहले आपका और अपना ही भला सोचूंगा यार। मैं किसी कंपनी के बारे में कोई भी स्पॉन्सर कोई भी प्रमोशन नहीं करता और नहीं करना जानता यार, क्यों करूँगा मैं? है भाई मैं ड्राइवर हूँ, मैं अपने ड्राइवर भाई की तरफ सोचूंगा पहले, तो प्लीज़ आप ऐसी नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो यार, मत किया करो, आप सब अपने हैं भाई, बिल्कुल अपने हो सब लोग। तो दोस्तों मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपसे मैंने सजेस्ट किया हो कि भाई इस फीचर को ऑन कर लो, तो प्लीज़ सब
ऐसी नेगेटिव कमेंट मत किया करो यार। मानता हूँ कि दो चार बंदे हेटर्स होंगे हमारी टीम में, लेकिन हमारी जो 10-12 हज़ार जो सब्सक्राइबर की फैमिली है वो बहुत अच्छी है वैसे, समझे ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो हेटर्स हर जगह होते हैं, हर लाइन में हेटर्स मिल जाएंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, और आप लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट भी करते हो। मैं आपके लिए डेली नई नई अपडेट लाता रहता हूँ दोस्तों, तो इस पर आप थोड़ा थोड़ा गौर दिया करो वीडियो में कि बोला क्या है हमने, है ना। डायरेक्टली मतलब ऐसे कमेंट करना तो अच्छा नहीं है ना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, और घंटा ज़रूर बजा देना, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।